वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवनिहिनैनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयंश्च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलं भगवान शंभु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पार्वतीनाथौ, मंगलाय तन्नो हरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी श्रोतागणों को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव और माँ भवानी सबका कल्याण करे, सबके मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी प्रभु से कामना अब हम आरंभ करते हैं। शिव पुराण जो हमारा महात्म्य चल रहा है उसका विद्येश्वर संहिता अध्याय चल रहा है। अध्याय का हमारा त्रयोदश अध्याय हमारे हो चुके हैं और आज चतुर्दश अध्याय है और चतुर्दश अध्याय में आज अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषि उवाच, ऋषि कहते हैं, प्रभो अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी उवाच, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव की जब हम उपासना करते हैं या भगवान शिव को हम जो अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, चावल अवश्य चढ़ाने चाहिए, जितने आपके मृग मुद्रा में जितने चावल आए उतने आप चावल लीजिए, अक्षत हों, वो बगैर टूटे हुए हों और वह शिव, भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें तो उससे जो है सुख समृद्धि घर में आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और जितनी भी जो लक्ष्मी आएगी वह सुमुखी लक्ष्मी होगी। तो इस तरीके से आपको ये करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका उल्लेख आता है, प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति होती है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है, वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है, यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजो, उन्होंने जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। देखिए, जो हमें हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भोजन बताया गया है, भोजन भी हम
जो भोजन हम धारण करते हैं वह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और उसमें और जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड हमारा जठर है, हमारा जो स्टमक है जहाँ पर हम भोजन को आहूत करते हैं, तो हम जितना भी हम भोजन करते हैं वह आहूति दे रहे हैं, आहूति देते हैं, और अग्निकुंड हमारा उदर है, उदर में हम आहूति देते हैं। तो यह बताया गया है कि जो पवित्र अन्न का जो हम भोजन करते हैं वह भी मानो एक अग्नि योग अग्नि यज्ञ के समान है। ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के अंतर्गत ही आती है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुतियां दी जाती हैं उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। जितना भी हम जो यज्ञ करते हैं, जो हम संस्कार के यज्ञ करते हैं, जो हम हवन कुंड में यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ के देव यज्ञ कहलाते हैं। और देव यज्ञ में हम देवताओं को उनके हिस्से का भाग देते हैं और उनकी वो आहुतियां देते हैं। वैसे शास्त्रों में बताया गया है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, ब्रह्मार्पणम् हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह यज्ञ है। जितना भी हम कर्म करते हैं वह हम आहूत कर रहे हैं, अपने अपने भाग का हम इस सृष्टि में, ये सृष्टि एक मानो यज्ञ कुंड है, और उस यज्ञ कुंड में हम अपनी अपनी आहूतियाँ दे देकर जा रहे हैं। जितना भी जो हमारा जन्म होता है और जो मृत्यु पर्यंत जो मृत्यु होती है, मृत्यु सबसे बड़ी आहुति मानी गई है, सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। जन्म के संस्कार से लेकर मृत्यु के संस्कार तक हम अग्नि को पूजित करते हैं, अग्नि यज्ञ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये हमारा संसार है वह भी एक यज्ञ रूपी है, और इस यज्ञ रूपी में हमको तप करना है। तप जो है हमारा कर्म है, जितने भी हम कर्म करते हैं वो कर्म जो हैं वो ईश्वर को प्रदत्त हैं। हम ये माने अगर हम ईश्वर को प्रदत्त करते हुए कर्म कर रहे हैं तो निश्चय ही वह कर्म जो है अग्नि कर्म कहलाते हैं, यज्ञ कर्म कहलाते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञेन यजमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्न यासन्न तेह नाकम महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्य दर्शन्ति देवः। ये धर्म की परिभाषा है, और धर्म की परिभाषा है, और धर्म धारयति धर्म कि जो आपने धारण किया वो धर्म है। और इसी तरीके से हम यज्ञ की आहुतियां जो दें, अपने कर्म यज्ञ को मानते हुए हम आहुतियां दें, वो सबसे बड़ा धर्म है। इंद्रादि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुतियां दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञ को ही देव यज्ञ मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत ही मानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायकाल ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में ही करने का इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न हो? तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। देखिए वो कहते हैं अग्नि के बिना कैसे यज्ञ होते हैं। जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि कर्म जो है कर्म यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है, और हम आहुतियां दे रहे हैं। इस सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकारों के लिए वारों की भी कल्पना की है। वारों को भी निर्धारित किया है कि कौन सा यज्ञ हम किस समय करें, कैसे उस यज्ञ में हम अपनी आहुतियां दें। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के वैद्य भी हैं, और सबसे बड़े जो वैद्य हैं वह भगवान शिव हैं। कालों के भी काल महाकाल भगवान शिव है, सबके ज्ञाता और समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने सबसे पहले वारों की कल्पना की।
वार जो बनाए गए तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने वारों की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का भी वार बनाया। इसके बाद स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि की और रक्षा के लिए आयु कर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का भी निर्माण किया। वे दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले हैं तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप में स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं भगवान शिव ने उपयुक्त सात वारों का वर्णन का स्वामी वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के स्वामी अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र हैं और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये सातों वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के लिए मंत्रों का जप यह प्रकार है। उनके लिए होम करना, दान करना, तप करना चौथा प्रकार है। तो इसी प्रकार से जो हमारे हम जो पूजा करते हैं, जो पद्धति करते हैं, वह मंत्र से, होम से, दान से, जप से, हम इस प्रकार से चार प्रकार से हम कर सकते हैं। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से, षोडश उपचार जो होता है, 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है, जो षोडश उपचार कर पूजा करते हैं। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोगियों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष तथा 3 वर्ष तक ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए मां काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न भोजन को कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को पूजा करे। देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन और पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं को पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडरस युक्त अन्न दे।
इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान है। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिलक के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मण को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन उन देवताओं के रूप में पूजित होते हैं। सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल मिलते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और शुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन अवश्य करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों को देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द अक्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह श्रद्धा पूर्वक बार बार इस तरह के धर्म का अनुष्ठान यदि करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावड़ी, पोखरर, आश्रम आदि की व्यवस्था करे। ब्राह्मणों को दान दे, जमीन का दान दे, जो भूमि है भूमि का दान श्रेयस्कर बताया गया है, जो धनाढ्य लोग हैं उनके लिए भूमि का दान दे, और योगशाला, यज्ञशाला, आश्रम इनकी व्यवस्था करे। धनी को यह सब प्रकार के कार्य सदा ही करते रहने चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जब हम दान की भावना यदि मन में हो तो दान से भी ज्ञान उपजता है, ज्ञान से वैराग्य आता है। यदि आपने संचय की भावना ही यदि मन में रखी तो संचय की भावना जो है वो आपको मोह से बांधती है, कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। जब आप की संचय की भावना ना हो और दान की भावना यदि आपके भीतर आई तो दान से आपका जो है ज्ञान उदित होगा। जब ज्ञान उदित होता है तो ज्ञान से वैराग्य उदित होता है, अन्यथा संचय से, और संचय से क्या होता है, संचय से आपको मोह बढ़ता है। जब मोह बढ़ता है तो आप अगले जन्म का कारक बनते हैं, अगला जन्म आपका निश्चित हो जाता है, क्योंकि आपका विषय का विकार तो गया ही नहीं। विषय का विकार तो समाप्त होना बहुत आवश्यक है, और विषय का विकार कब समाप्त होगा, विषय का विकार तब समाप्त होगा जब आपके भीतर वैराग्य की भावना आएगी। वैराग्य की भावना कब आएगी, जब ज्ञान आपके भीतर आएगा। ज्ञान कब आएगा, जब आप संचय की भावना को त्याग देंगे। संचय कोई भी संचय हो, उस संचय की भावना को त्याग देंगे। यहाँ तक कि ज्ञान का भी संचय करना, ज्ञान को भी हमें संचित नहीं करना है, ज्ञान का भी प्रसार करना है। जो ज्ञान आता है उस ज्ञान को भी हमें बांटना है, बांचना है एक दूसरे से। तो इस प्रकार से समय अनुसार पुण्य कर्म परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देव यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये आज अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री रेवाखंडे शिव महापुराण नाम विद्येश्वर संहिता
चतुर्दशो अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु सुपुष्पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंद्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तुमको यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिव पंचाक्ष स्तोत्रम् पुण्यम् यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम् शिव पंचाक्ष स्तोत्रम् संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।